माइक नहीं है वरना मैं आपको बहुत ही खतरनाक चीज बोलने वाला था। तक तो ये दुबई जैसे दिख रहा है हमें। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ और आज के इस वीडियो में बहुत ही तगड़ा होने वाला है। मैं आज पीतमपुरा जा रहा हूँ, पैसिफिक मॉल, वहाँ पे फन करूँगा बहुत ही। और फिलहाल आपको चश्मा पहन के दिखा दे रहा हूँ कैसे लग रहा हूँ, तगड़ा है ना। तो वीडियो में बने रहना गाइस, मैं अभी निकल ही चुका हूँ, अभी बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं बस में एंटर हो चुका हूँ और अभी पैसिफिक मॉल की तरफ निकल रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ नेताजी सुभाष पैलेस, जो आपको मैंने बताया था पैसिफिक मॉल है नेताजी सुभाष पैलेस के जस्ट सामने ही। और यहाँ पे अग्रवाल मार्केट भी है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, पैसिफिक मॉल पे अगर आप आने की चाहत रखते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग का। यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्किंग है, आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा पार्किंग। तो इस पार्किंग में आपको जाने के लिए कम से कम 150 से 250 तक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा पार्किंग है। इसका मेंटेनेंस चार्ज भी कुछ कुछ चार्ज वगैरह जोड़ के उसमें 250-150 ले ही लेते हैं। तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करके हमें जाना पड़ेगा पैसिफिक मॉल और वहाँ के अंदर से आपको वहाँ का व्यूज दिखाऊंगा। काफ़ी स्टोर्स भी है वहाँ पे, बहुत ही सैलून भी देखने को मिलेगा। और चलते हैं अभी बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे की तरफ, और कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा आपको अगर पैसिफिक मॉल आना चाहते हो तो। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहना। तो ये कुछ व्यूज हमें देखने को मिला, काफ़ी बड़ा है गाइज, आप एक बार आओ फिर घूम के देखो, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे घूमने को ना। आई थिंक वहाँ से इंटर होगा मेरे ख्याल से, ये रहा पैसिफिक मॉल। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे अभी इंटर होने की, बहुत ही टाइम हो चुका है, अभी 4 बज गया। ये चुप है अभी। अब मैं हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, अंदर एंटर होऊंगा, चलते हैं यहाँ से, शायद यहीं से शायद इंटर होगा। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। आई थिंक एस्केलेटर से मेरे को अंदर होना पड़ेगा। व्हाट्सअप ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं ऊपर, अंदर इंटर हो ही चुके हैं गाइस फाइनली, और अभी आगे देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। फिलहाल तो मैं अभी अंदर एंटर हो ही रहा हूँ, तो गाइस ऐसा व्यू दिख रहा है, आई थिंक चेकिंग वुकिंग करना पड़ेगा हमें। तो गाइस हम फाइनली दुबई पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हो ये दुबई जैसे दिख रहा है। जानम देख लो मिट गई दूरियां। और मैं अभी एस्केलेटर से ऊपर जाने वाला हूँ सेकेंड फ्लोर पे, पहले सेकेंड फ्लोर पे आपको दिखाने जाएंगे गाइस। सो वंडरफुल एंड नाइस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे चीज मिल रहा है, लिपस्टिक लगा के जनो लूट लिया वे। देखने को खूबसूरत खूबसूरत चीज भी दिख रहे हैं, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगर आगे भी कुछ व्यूज मिलेगा तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। फिलहाल मैं अभी सेकेंड फ्लोर पे हूँ, अब थर्ड फ्लोर पे जा रहा हूँ, मैं अभी आगे चलकर दिखाऊंगा गाइस, वीडियो में बने रहना गाइस। और चलते हैं पहले थर्ड फ्लोर पे, उधर का भी कुछ माहौल दिखा देता हूँ गाइस। अभी इधर तो फिलहाल एक्सलेटर मैं ढूंढ रहा हूँ, एक्सलेटर मार रहे साले का, खोपड़ी तोड़ रहे, खोपड़ी तोड़ साले का, एक्सलेटर नहीं मिल रहा है, बट मिल जाएगा हमारे ख्याल से। वीकेंड्स में काफी भीड़ रहता है यहाँ पे, देख लो गाइस, भीड़ की बात करें तो ऐसा भीड़ है कुछ। तो दोस्तों आप देख सकते हो अभी मैं थर्ड फ्लोर जा रहा हूँ, और थर्ड फ्लोर का व्यूज मैं दिखाऊंगा। अभी नीचे भी देख लो गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैं दुबई पहुंच चुका हूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा है गाइस, क्योंकि मैं पहली बार ये पैसिफिक मॉल एंटर किया हूँ और कभी गया हूँ नहीं। और यहाँ पे ट्रेंड्स भी स्टोर भी है और डिजिटल स्टोर भी है, यहाँ पे क्रॉस भी आपको दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये अंकल भी मिलेगा। अच्छा और यहाँ पे पूमा स्टोर भी दिखने को मिलेगा। अगर मेरे पास पैसे भी नहीं है, अगर पैसा होता तो पूमा में जाके मैं कुछ बाय करता, अभी पैसा तो है नहीं, पहले चलते हैं आगे
आपको पहले यहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा और यहाँ का व्यूज भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो आप लोग को दिखाना है, यहाँ पे BTS का कुछ पोस्टर लगा हुआ है, इसी को मैं ढूंढ रहा हूँ। आगे देखते हैं, अगर मेरे को पोस्टर वो मिले तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाए तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहना गाइस, आगे चल के बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। पहले हम ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अभी 3rd फ्लोर पे हैं हम, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत स्टोर भी है, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ भी है। और हम क्या ही बताएं, यहाँ पे लुक्स सैलून भी आपको देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, आप ये भी देख सकते हो, देसी खाद करोगे याद, ये एक स्टोर है। और पहले चलते हैं आगे, वो मैं ढूंढ रहा हूँ पागल मेरी जान ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला मेरे को। पहले आगे चलते हैं मैकडोनल्ड की तरफ, वहाँ पे शायद मिल सकता है। काफी लोग बोल रहे हैं वहाँ पे मैकडोनल्ड की तरफ है, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी है। हमें तो मिल नहीं रहा BTS की तरफ, BTS कहाँ पे, बट अभी जरूर ढूंढ के दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने अभी इन्फॉर्मेशन ले चुका हूँ और जा रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर। हमें पता नहीं था ग्राउंड फ्लोर पे ही है मैकडोनल्ड्स, वहाँ पे बता रहा था कि मैकडोनल्ड्स सबसे नीचे वाला फ्लोर पे है, बट मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा देखने को व्यूज बहुत ही सुंदर है गाइज, आप आ सकते हो और आप घूम सकते हो यहाँ पे। पहले तो मैं ढूंढूंगा उसको, क्योंकि देखा है तुझको जब से हाय मैं तो इसमें थोड़ा अलग ही दिखने को मिल रहा है वहाँ पे, और शायद मैं आ चुका हूँ वहाँ पे। अरे यहाँ पे नहीं है, पहले चलते हैं वहाँ पे गेट की तरफ, अगर वहाँ से दिखने को मिलेगा तो मैं जरूर वहाँ से दिखाऊंगा आपको। मेरा बाहर का थोड़ा व्यू, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है। ये रहा हमारे मैडम जी, जो कि बहुत खूबसूरत है। चलते आगे देखते हैं, यहाँ पे ठंडी की मौसम भी नहीं है, गर्मी की भी मौसम नहीं है। यहाँ की मौसम की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है, और यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगेगा, नहीं ठंडा लगेगा आपको यहाँ पे। बट सुंदर सुंदर लड़की दिखने को आपको मिलेगा, शायद मिल गया होगा हमें, लेकिन चलते हैं आगे। तो भाई हम तो काफी टाइम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, हो गया हमें मिल नहीं रहा है अभी, अभी शायद मिल जाएगा, और ढूंढ रहे हैं अभी भी गाइस। आपको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही वो खूबसूरत दिखने को मिलेगा, क्योंकि वो BTS का वहाँ पे बहुत बड़ा सा पिक्चर शायद, आई थिंक ये नहीं है, लेकिन ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं है, ये कुछ अलग चित्र बना हुआ है, ये पता नहीं है क्या है। ये मेरा मैकडोनल्ड्स की तरफ मैं आ चुका हूँ फाइनली, और आगे चलते दिखाते हैं, शायद हो सकता है तो मैं दिखाऊंगा। ये देखो कैसा है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है यहाँ पर। भाई क्या बताओ, मेरे पास माइक नहीं है, वरना मैं आपको, तू है तो मुझे फिर और क्या, बहुत ही खतरनाक चीज देखा हजारों दफा बोलने वाला था, बट यहाँ पे इतना आवाज है आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा कुछ ऐसा व्यू देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अभी BTS की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है बहुत ही बड़ा, और वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये है ग्राउंड फ्लोर के नीचे से आना पड़ेगा आपको, और मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ उसी के अंदर। पहले तो यहाँ पे काफ़ी लोग आने को भी आते हैं, यहाँ पे बहुत ही भीड़ पड़ता है, भुक्कर ऐसा भुक्कर जैसा खाते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, भुक्कर जैसे खा रही है। वहाँ पे BTS की तरफ जहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे। तो गाइस पता चला, अभी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिया था मैंने, वहाँ पे मैडम कह रहे कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे बता देता और सुना देता रिकॉर्डिंग, लेकिन रहा नहीं जाता, वहाँ पे अलाउड नहीं कर रहे थे वो। उन्होंने बता रहा था कि यहाँ पे जो पोस्टर की बात किया था मैंने, वो पोस्टर हट चुका है फिलहाल, वहाँ पे इवेंट दीदी वाह दीदी नहीं इवेंट चल रहा है, और वहाँ पे भी आप एंटर नहीं हो सकते जब तक आप वहाँ पे आप टिकट ना काट लो, क्योंकि वहाँ पे टिकट काटने के बाद ही आपको एंटर मिलेगा। अभी गाइस मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि वो पोस्टर मैं दिखाने के लिए मैं आया था, बट अभी नहीं हुआ, तो मैं आगे की ओर चलते हैं, कुछ अच्छा दिखे तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं मेरे को अभी काफ़ी दुखी हो रहा है फील,
काफ़ी दुख हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को वो पोस्टर दिखाना था आपको, मैं दिखा नहीं सका आपको, सॉरी गाइस। तो गाइस एक चीज़ देखने को मिला, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आइसक्रीम, जो कि मज़ा आता है आइसक्रीम वो देने में, बहुत ही स्टाइल से देते हैं वो अपना, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। लो भाई मैम, दो चॉकलेट कर। चलो आगे देखते हैं कितना टेस्ट लगता है खाते खाते, अब आगे चल रहे हैं हम। भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है, लेकिन खरीद के मत खाना, बिक जाओगे भाई। 350 की है, कुछ है इस पे? 350 की है, कुछ भी नहीं है। हम तो ऐसे ही देख लिए, मन किया खरीद लिए, आगे चले। गाइस मैं बहुत दुख हूँ क्योंकि जोश में ना मेरा 715 चला गया, कहाँ पे? फ्री आइसक्रीम वाले पास। चले लो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो न जा। कोई बात नहीं, YouTube से इतना पैसा आता है कि कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पे देखो टेस्ट कर लिए, बहुत ही टेस्ट है, कुछ भी बोलो बहुत ही टेस्ट है। पहले खा ले लो भाई। दोस्तों 700 की है मगर खा नहीं पा रहा हूँ, पेट फूल हो चुका है भाई। अभी खा रहा हूँ किसी भी तरह, देखो हाथों हाथ में गिर गया, अभी रुमाल भी एक बर्बाद होगा। और यहाँ पे देखो भूखल लोग कैसे खा रहे हैं, हम 700 ही खरीद के खा रहे हैं, ये 700 में पिज्जा उज्जा सब कुछ खा रहे हैं। हमारे जैसे बेवकूफ कोई है नहीं, है कोई नहीं है, हमें लगता भी है कोई है। यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत है, मतलब बोर्ड, सॉरी। अभी तक खा ही रहा हूँ खाती जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है पेट में कहाँ जा रहा है यार। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। मैं यहाँ। अरे अभी तक पेट फूल हो चुका है गाइस, मैं क्या बताऊँ, मेरे को पेट में अभी गुटू गुटू कर रहा था, लेकिन मैं किसी भी तरह खा के खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाहर भी जाना है, ये छू भी रहा है देख लो। तो ये वॉशरूम है, और मैंने अभी जो खाया था आइसक्रीम पूरा हाथ वाथ भर गया था, अभी मैंने यहाँ पे हाथ वाथ वॉश किया। और ये है वॉशरूम फैंसी हॉल का, चल रहे हैं अभी। दोस्तों मैं अभी फ़ोटो खिंचवाने की किसी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर मिल जाए तो शायद। ये देखो यहाँ पे आँखों में जता दे, बहुत प्यार भरा, अपने फ्रेंड्स को प्यार कर रहे हैं। और देखते हैं कोई फ़ोटो खींच के, तो शायद मैं खिंचवा सकता हूँ यहाँ पे, कोई फ़ोटो ही नहीं खींचते यहाँ पे भाई भी, वो खा रहा है अभी तक। देखते हैं आगे फ़ोटो कोई खींच दे तो सही है, क्योंकि अभी निकलना है, टाइम भी बहुत हो चुका है, शायद अभी 5:15 हो गया गाइस। चलते हैं अभी कुछ बाहर का व्यू दिखाएंगे, फिर घर वापसी होगा, क्योंकि हमें काफ़ी दूर से हमें आना पड़ा वहाँ से। मज़ा तो आया बहुत, लेकिन जो पोस्टर देखने को हमें चाह था मन में वो नहीं मिला। कोई नहीं गाइस,
अभी तो काफ़ी मज़ा आ गया, जैसे जैसे मैंने किया रोज वीडियो ऐसे मैं आपको बताऊंगा। और अभी फिलहाल चलते हैं घर पे और देखते हैं। सो दोस्तों अभी बाहर निकल गए हम, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। अभी तो कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि मेरे को जो टारगेट था वो मिला नहीं। सॉरी गाइस, आगे दूसरे वीडियोस में मैं कुछ और ही अलग ही दिखाऊंगा आप लोग को, अभी तो दिखा नहीं पाए। फिलहाल जो भी किए देख लिए होंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है, बट आप आके घूम सकते हो। ये नहीं कि आपका पैसा लगेगा या कुछ भी लगेगा, कोई पैसा वैसा नहीं लगता, आप घूम सकते हो यहाँ पे। और बस अगर कुछ खरीदने का अगर इरादा हो तो आप पॉकेट में ना 5000 से नीचे मत लाना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मॉल है और यहाँ पे महंगा है भाई। इतना मेंटेनेंस करके रख रहे हैं तो पैसा तो लगेगा ही, ये मैं भी मानता हूँ। गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, बाद बाकी आपको पता ही होगा। लव यू गाइस इतना प्यार देने के लिए।